हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AK20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी। तो गाइस, मैक्रोनी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है मैक्रोनी, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, गाजर बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरी धनिया बारीक कटा हुआ। मसाले में हमने यहाँ लिया है गरम मसाला, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और जीरा। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे भगोना चढ़ाएंगे, पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से बॉयल करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसमें हम घी डालेंगे। घी डालने से मैक्रोनी हमारा अलग अलग रहेगा। अब इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे, उसे अच्छे से बॉयल करेंगे। पाँच छः मिनट तक बॉयल करेंगे। मैक्रोनी हमारा अच्छे से हो चुका है, अब इसे हम एक चलने में डाल लेंगे और ठंडा पानी डालेंगे ताकि मैक्रोनी हमारा अलग अलग रहे। मैक्रोनी हमारा यहाँ हो चुका है, अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में सरसों ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा यहाँ गरम हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा लाल हो चुका है, अब हम प्याज डालेंगे। हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे। प्याज हमारा लाल हो चुका है, अब इसमें हम वेजिटेबल डालेंगे। शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, गाजर, अब इसे हम अच्छे से चला के 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा गाजर और शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए। गाजर और शिमला मिर्च अच्छे से पक गया है, अब हम टमाटर डालेंगे। नमक हम पहले ही डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। वेजिटेबल हमारे अच्छे से पक चुके हैं।
अब हम मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्चा पाउडर और इसे अच्छे से चलाएंगे। अब हम मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी हमारा यहाँ हो चुका है। हम थोड़ा सा इसमें बटर डालेंगे। आप चाहें तो गाइस इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बार फिर से चलाएंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। मैक्रोनी हमारा बन करके तैयार है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।